एक मूवी देखते हैं हमारा पूरा ओपिनियन चेंज होता है आफ्टर वॉचिंग शेरशाह मूवी। बहुत लोगों को इंडियन आर्मी में जाने का मन करके, तो ऐसा पैशन नहीं होना चाहिए। पैशन ही होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्रिएट हुआ है। वो तो बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ गए तो घर वालों ने करवाई इंजीनियरिंग। हमारी मतलब इंजीनियरिंग IIT से है तो तुम्हारे प्लस ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। से PCM, राइट। व्हेन पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन दीज फील्ड्स देन ओनली दे कैन परस्यू इंजीनियरिंग और यू कैन से क्रैक JEE और समथिंग लाइक दैट। Do you always wanted to become engineer? I was like interested in science, right? And so up till 10th standard, it's like all about marks and everything. Like in 10th mein aakar ke thoda sa jaise maths and science in sab ki taraf thoda oriented dikhe. So that's when I chose this field. And as I moved on, I found it interesting really. Nahi matlab sach mein main socha to nahi tha. Matlab 10th class tak to bilkul bhi nahi socha tha. Wo to boards mein acche number aa gaye to ghar walon ne karwai engineering. नॉट एज मच जैसे बचपन में बोला आता था कि कुछ करना है, सक्सेसफुल बनना है। तो बचपन में हमने यही सीखा है कि भाई कुछ भी अच्छा है, इंजीनियरिंग वाला दिमाग है, कुछ भी साइंस से रिलेटेड करना है, कुछ उल्टा करना है, इंजीनियर बन जाओ। एंड इंजीनियर बस PCM ले ली तो सबकी जर्नी वहीं पर कन्वर्ट होती है, वो है IIT बनने के बाद। लेकिन एज सच किसी को या मेरे को तो इंजीनियर बनने का कोई शौक नहीं था। नॉट फैमिली प्रेशर बट इट वॉज मोर लाइक कि मेरे को बोला गया कि कुछ करियर चूज कर। मेरे को सारे घटिया करियर जो इंडिया में मेरे को बताए जाते हैं उनमें से कम घटिया करियर जो लगा वो इंजीनियरिंग लगा। नहीं, हमेशा से तो नहीं बनना चाहता था इंजीनियर। ये जैसे मैथ्स, जैसे अपन सब लेते हैं कि 10th के बाद सब दोस्त मैथ्स ले रहे होते हैं ज़्यादातर, तो मैथ्स ले लेते हैं। उसके बाद फिर 12th में आते हैं तो सब IIT होता है। तो ये सब दोस्त तो मतलब जो दोस्त कर रहे थे वही हम करने लग गए, बस ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था खास। फॉर अ स्टूडेंट हु इज in 11th, 12th, what would you say to him, like why he should do engineering? Anything. Like why people should do engineering. That's the thing, like sir, I see as students of 11th, 12th, मैंने भी किया था इस तरीके से, बाकी लोगों को भी देखा है कि people who are actually interested in this field, not just ki particular engineering, say the subject only, say PCM, right? When people are really interested in these fields, then only they can pursue engineering or you can say crack JEE or something like that. And then why to do engineering? Then I will say that look at the IITs and look at the colleges that we are right now in. They just provide a lot of opportunities for our growth, right? Our growth, मतलब किसी भी तरीके का, चाहे mental growth हो, academic growth हो, social growth, everything. We get a lot of opportunities in bulk. So seriously, getting into an IIT, doing engineering is not just a joke. So it would really help people a lot. Finally, it's up to your interest है कि मतलब तुम्हें बनना क्या है, क्या pursue करना चाहते हो future में, और मतलब तुम्हारे goals क्या हैं, तुम अपनी life कैसे चाहते हो। और अगर ये engineering उसका way है, then you can go for it. और अगर इंजीनियरिंग इज नॉट अ वे फॉर दैट थिंग, सो यू शुड नॉट गो फॉर दैट। इट मेक्स यू लर्न लाइक लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर हैंडलिंग, हाउ टू डू द थिंग्स दैट यू आर नॉट एबल टू डू जस्ट बिकॉज यू डोंट नो दैम। बट समटाइम्स इट्स लाइक कि तुम्हें नहीं आ रहा भाई, मेरे को नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि रीज़न वही होता है, मेरे पीयर्स कर रहे होंगे एंड उनसे तुम्हारी लर्निंग होती है। फिर बताया जाता है इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कम होता है, हम सब जान नहीं पाते इंजीनियरिंग में। मतलब जब हम कॉलेज में आते हैं पता लगता है कि इंजीनियरिंग में क्या क्या हो सकता है, और इंजीनियर्स तो कुछ भी आगे कर सकते हैं, मतलब तो उसके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो चेंज भी कर सकता है आगे जाके अपना सब कुछ ना। इंजीनियरिंग मतलब उसको पता है कि उसमें क्रिएटिविटी है तो वो इंजीनियरिंग करके वो कुछ बड़ा कर सकता है आगे। ऐसा कोर्स है मतलब इस कोर्स को करके वो बड़ा कर सकता है। बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं वो इंजीनियरिंग के थ्रू, बड़े स्टार्टअप होते हैं अमेज़न, मतलब ऐसे स्टार्टअप हो सकता है। Let's say someone doesn't have interest in engineering and he has other interest. What would you suggest him? Should he follow his passion like other interest or do engineering? Personally speaking, मैं तो नहीं कहूँगा कि तुम इंजीनियरिंग के लिए पीछे जाओ ब्लाइंड होके। और ऐसा बुरा भी नहीं है कि मतलब अगर तुम्हारी मतलब इंजीनियरिंग IIT से है तो तुम्हारे प्लस ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सभी ऑप्शंस हैं। सो If you are in IIT, then engineering is nothing bad. और अगर कहीं तुम कहीं बाहर हो तो तुमको सोचना पड़ेगा उसके बारे में, मतलब इंजीनियरिंग ही सब कुछ नहीं है। से अगर इस बात पे तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंटरेस्ट नहीं है सो ही शुडंट बी परस्यूइंग इट काइंड ऑफ, राइट? बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट टू बी इन अ फील्ड वट एवर बी इट, एंड इंजीनियरिंग स्पेशली, कि द फील्ड दैट यू, मतलब इस फील्ड में रहना अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, दैट्स लाइक अ टेंशन ऑन योर हेड। सो इफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, इट्स बेस्ट नॉट टू परस्यू इट। गो फॉर योर पैशन, व्हाटएवर बी द पैशन, दे कैन परस्यू दैट, राइट?
बट अगर बात करें इंजीनियरिंग के अलावा या ऐसे कुछ टॉप कोर्सेज के अलावा, उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है. यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. जॉब भी बहुत कम है. जैसे इंजीनियरिंग में है कि एवरी ईयर देर आर सो मेनी वैकेंसी और प्लेसमेंट वगैरह होता है, बाकी में नहीं है. तो इट्स अ बिग थिंग. सो या काइंड ऑफ वो आप, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ लाइक जो कहते हैं कि लाइक पैशन की तरफ जाना चाहिए. तो मैं भी उनमें से काइंड ऑफ सपोर्टिंग ही हूँ इसके बारे में कि देर आर सम फील्ड्स विच आर नॉट प्रोवाइडिंग दैज मनी अपॉर्चुनिटीज एंड लॉट ऑफ रिस्क अबाउट देम. कि जॉब भी नहीं है ऐसे वैसे, एंड देर आर लॉट ऑफ लाइक आपको खुद से करना पड़ेगा बहुत कुछ. लेकिन पैशन है तो वो कंटिन्यू करे तो दे कैन एक्चुअली हैव इट. दे कैन एक्चुअली गेट दैट, यू नो. बिकॉज इंजीनियरिंग विदाउट पैशन और विदाउट एक्चुअली यू नो गेटिंग इंटरेस्ट इन द फील्ड, इट्स लाइक अटेंशन ऑन द हेड, पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अगर किसी आई एम नॉट डिमीनिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, बट इफ देर इज सम ऑक्यूपेशन ए एंड इस ऑक्यूपेशन में सबको पता है बाई डिफॉल्ट कि उसकी हाई पे स्केल भी जो होगी वो 10,000 रुपीज पर मंथ होगी, तो बाई डिफॉल्ट हम कभी उस पैशन की तरफ जाएंगे ही नहीं. डू थिंक वन शुड फॉलो हिज पैशन? लाइक इस पर एक बहुत अच्छी बुक भी है, द सेडक्टिव इल्यूजन ऑफ हार्ड वर्क. एंड उस बुक में एक लाइन में कि वी शुड नॉट फॉलो आर पैशन ब्लाइंडली. लाइक पैशन इज समथिंग जो हर 3 महीने में 6 महीने में हम मूवी देखते हैं उससे इंस्पायर होकर चेंज होता है, क्योंकि वी शुड लाइक बिल्ड अ पैशन. फॉर एग्जाम्पल मेरा डिज़ाइन का एग्जाम्पल ले लो, मेरा कभी डिज़ाइनिंग ऐसे पैशन नहीं था, बट मेरे को सीनियर्स ने बताया कि डिज़ाइन ऐसा है, फिर मैंने धीरे धीरे करके इस पैशन को बिल्ड करा. अब मेरा लेट्स से कुछ दिनों में कोडिंग पैशन बन जाएगा, तो ये थोड़ा मैं तुरंत करियर चेंज कर लूँगा 3-3 महीने में. क्योंकि पैशन जो होता है वो बेसिकली ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कोई नई चीज़ देखी उससे इंस्पायर हुआ एंड पैशन चेंज. तो पैशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो पैशन तुम्हारा खुद का बनाया हुआ होना चाहिए, किसी से देख के इंस्पायर होकर 2 महीने का नहीं होना चाहिए. मैनी पीपल विल से दैट यू शुड ब्लाइंडली फॉलो योर पैशन, दैट्स इट, बट यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल. And income is very necessary, so you should have good options for that too. So you think you should have a backup? Yeah, a good backup. Actual and all world में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि you have a something completely different passion. Say as I said, कि आप music या something completely different field you're interested in, right? Apart from all those government jobs and everything, so आपको लगता है कि you can actually continue with that, but there are a lot of difficulties in continuing with that, right? So आप हमेशा, as you mentioned earlier, should always have a backup plan, right? A backing up plan, something backing you up, so that in case things don't go, you know, in the right way, so you can have something which you can just rely upon. So depend करता है singing में तुम्हारा background depend करता है. अगर तुम्हारे parents वैसे हैं जो एकदम ओपन है कि हाँ, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा ऐसे ये सिंगिंग वगैरह करे, ये सब करे, वो साथ सब चाहेंगे कि पढ़ाई करे, आईआईटी में जाए, नीट में जाए, तो वो भी दिक्कत हो जाती है. तो फिर बच्चे भी यही सोचते हैं कि पहले आईआईटी में किसी कॉलेज में सेलेक्शन हो जाए, उसके बाद मैं मेरा वो करूँगा. अब तुम एक किसी प्राइवेट कॉलेज से हो, कोई छोटी मोटी कॉलेज से हो और तुम सिंगिंग कर रहे हो, और वहीं आईआईटी या फिर एम्स में हो और तुम सिंगिंग कर रहे हो, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा. तुम ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर पाओगे. कहना तो अच्छा लगता है कि बैकअप होना चाहिए, बट अगर तुम्हारे पास बैकअप है ना, तो यू आर ऑलरेडी थिंकिंग, मतलब ये बहुत थोड़ा मोटिवेशनल सा हो जाएगा. मैं अपने आप को बोलता हूँ कि अगर मैं बैकअप लेके चल रहा हूँ, इट मींस कि मैं ऑलरेडी तैयार हूँ पीछे गिरने के लिए. मतलब मैं रेडी हूँ कि अगर गिरूंगा तो मेरे पास कुछ सामान निकलेगा. बट अगेन, इफ मेरे पास बैकअप ही नहीं होगा, मैं सोच ही नहीं रहा हूँ बैकअप के बारे में, तो आई एम ऑलरेडी श्योर कि मेरे को गिरना भी है, अगर नहीं भी करना है तो मैं इसी डायरेक्शन में आगे चलूँ. तो इंजीनियरिंग ऑल तो मेरे पास बैकअप है, कहने के लिए मेरे लिए ईजी हो जाएगा, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैकअप है. लेकिन मैं उस बैकअप का मैं सोचता नहीं. दिस पर्सन शुड बी आस्क्ड फॉर टू अ पर्सन जिसके पास एक इंजीनियरिंग, और स्पेशली अगर आईआईटी दिल्ली की डिग्री है मेरे पास एक ग्रेजुएशन की, तो एक बेटर मेरे को बैकअप मिलता है. ऑल द मैं उसके बारे में सोचता नहीं, बट ये बेटर होगा उस ऐसे बंदे से पूछना जो टायर 2 टायर 3 के कॉलेज में पढ़ के एंड फिर डिज़ाइन कर रहा है, क्योंकि उसके पास बैकअप नहीं है. एंड मैं अगर कहूँ कि मेरे पास बैकअप होते हुए भी कि मैं बैकअप के बारे में किया नहीं करता, तो थोड़ा वो अनजस्टिस सा. इज अनदर थॉट विच इज़ बाय ऑल द सक्सेसफुल पीपल, दे सेड दैट इफ यू फॉलो योर पैशन विच कुड बी एनीथिंग, then what happened then at time when things get difficult, you would be able to like push yourself, you won't quit. So what is your thought on this? You won't quit, but no, we have some examples of the successful people, but lot of people have gone through that path, but only few have succeeded. So what's about else?
आई एम नॉट सेइंग डोंट फॉलो योर पैशन बट फॉलो द लाइक अभी आज के टाइम में हम एक मूवी देखते हैं हमारा पूरा ओपिनियन चेंज होता है आफ्टर वॉचिंग शेरशाह मूवी बहुत लोगों को इंडियन आर्मी में जाने का मन कर गया आफ्टर वॉचिंग ये सीरीज क्या कहते हैं हर्षद मेहता बहुत सारे लोगों को मन कर गया भाई कि चलते हैं स्टॉक ब्रोकर बनते हैं इंडिया में कितने सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए तो ऐसा पैशन नहीं होना चाहिए पैशन ही होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्रिएट हुआ है तुम अपने सीनियर को देखते हुए आ रहे हो किसी को करते हुए देखते आ रहे हो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टाइम से फिर उस पैशन को अगर तुम फॉलो करोगे तो वो पैशन जो होगा उसको फॉलो करने में वो जो स्टार्टअप वाले वो ये चीज़ नहीं बता पाते मोस्ट प्रोबेबली लाइक मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे को पता चला कि पैशन जो होता है वो क्रिएट करा जाता है लाइक अगर तुम फॉलो करने से पहले क्रिएशन उसका जरूरी है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेके तुम क्रिएट करोगे फिर उस पैशन को फॉलो करोगे तो तुम्हारे अंदर टायर्ड नहीं होगा सबके साथ बुरे दिन आते हैं लाइक डिज़ाइन में मैं डिज़ाइन करता हूँ मेरे को एक एक हफ्ता ऐसा लगता है कि यार डिज़ाइन नहीं हो रहा डिज़ाइन नहीं हो रहा लेकिन फिर मैं रियलाइज़ करता हूँ मैंने स्टार्ट क्यों करा था तो वो पैशन हो जाता है